नमस्कार, मैं हूँ दिव्यांका त्रिपाठी दहिया और मैं आपका क्राइम पेट्रोल सतर्क में स्वागत करती हूँ। इंसानी दिमाग सृजन भी कर सकता है और सर्वनाश भी, और जब ये बेकाबू हो जाए तो बेलगाम दिमाग बेहद तबाही मचा सकता है। ये केस एक ऐसे शख्स के फितूर से जुड़ा है जिसके दिमाग में मचे उत्पात ने कई मासूम जिंदगियों को खौफ में डाल दिया। बहुत हुआ नव्या, आइसक्रीम क्रीम का नहीं, आइसक्रीम नहीं मिल जाएगी तुझे घर चल। आप मुझे आइसक्रीम नहीं दिलाओगे तो मैं घर नहीं आऊंगी। क्यों नाटक है ये? वाह बेटी ने जैसे कसम खा रखी है मुझे तंग करने की। घर चल, फ्रिज में बंद करके तेरी आइसक्रीम बना दी। घूर क्या रही है, नजर नीचे कर। देवकी नंदन जी, आप यहाँ क्या हुआ? ज्यादा खुश नहीं लग रहे हमें देख के। देखिए देखिए नंदन जी, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? और आप ये क्या है, ये सब बंदूक? बिना बंदूक चलाए भी हम जख्म दे सकते हैं साहित्य श्रीवास्तव जी, ये तो आपने देख ही लिया। खैर, अपनी गलती का एहसास हुआ ना, आगे से देवकी नंदन का कोई भी टेंडर रिजेक्ट मत करना। अगर दोबारा पेपर्स पूरे नहीं हुए तो मैं वही करूंगा जो पहले किया था। अरे ये तो सोचो अगली बार हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे साथ। कोई चिंता विंता है कि नहीं फैमिली की? साहित्य तुम्हारी भाभी जी, राम राम। मीना, यही नाम है ना आपका? आई छुटकी का नाव्या। देवकी नंदन जी रुकिए, सब कुछ जानते हैं हम तुम्हारे बारे में। रामदीन, चॉकलेट दो बच्चे को। ना, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे नहीं, जरूरत है, लो बेटा। साहित्य जी, नया टेंडर खुल रहा है, इस बार थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप भी ध्यान रखिएगा, अगर पेपर सही नहीं हुए तो इस बार भी टेंडर हाथ से जाएगा, समझ लीजिए। ऐसी गलती मत करना, इस बार बहुत कुछ तुम्हारे हाथ से चला जाएगा जो कभी लौट के वापस नहीं आएगा, समझे? सत्यवादी हरिश्चंद्र की छठी औलाद समझते हो तुम खुद को? क्यों नहीं हो नव्या, बाहर अरे चुप कर तुम। सुनलेगी वो, ईमानदारी के नाम पे क्या मिला आज तक? हाँ, ट्रांसफर और डिमोशन। अरे 12 साल की शादी में 15 बार तो तबादला हो चुका है। भारत भ्रमण करने के लिए शादी की है क्या तुमसे? चैन से एक घर में नहीं रह सकते और ऊपर से ही धमकियां मिल रही है। तुम दोनों को कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। हाँ तुम हो, और ऐसे हो, उसी का तो रोना है। देखो साहित्य, मैं बता देती हूँ, अगर तुम्हारी वजह से मुझ पर या नव्या पर कोई भी आंच आए ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मिलम, अभी तो ये चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी ना छोड़ो। साहित्य तुम ना ये। अच्छा ठीक है ठीक है, गुस्सा मत हो ना प्लीज। अरे हाँ सुनो, आज रात को ना मेरी बॉस अर्चना मैडम आएगी खाने पे, तो मैं तुझे थोड़ी देर पहले नहीं बता सकते थे? अब आधे दिन में ये घर की सफाई, घर का खाना कैसे करूंगी मैं सब? मैं हूँ ना, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। चलो मैं करता हूँ। देखो ये लोग कितने तमीज से सब बातें सुन रहे हैं। नव्या, मैडम जी जो भी पूछे उसका मुस्कुरा कर जवाब देना, समझी? रुको मैं देखता हूँ। सुनो सब रेडी है ना? जल्दी करो जल्दी। ओह नमस्ते मैडम। नमस्ते, आइए आइए। हाउ आर यू? आई एम फाइन मैडम, आइए। मीना, हमारी मैडम अर्चना। ये मेरी बीवी मीना। क्या हुआ अर्चना जी, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? मीनू, मीनू की बच्ची, अभी तक याद नहीं आया? जल्दी पहचान, वरना शुक्ला सर से बोल के तुझे पनिशमेंट दिलवाऊंगी। अर्चना तू कैसी है, कितने सालों बाद? Too good, the food is too good. मैडम सारा खाना मीनू ने बनाया, बहुत अच्छा खाना बनाती है। मीनू तो हमेशा से होना रही है। साहित्य, तुम्हें पता है ये हमारी क्लास के सबसे ब्राइट स्टूडेंट थी। इनफैक्ट हम सबको लगा था कि ये इंडिया में सेटल होगी नहीं, अब्रॉड सेटल होगी, है ना मीनू? यही तुम्हारा प्लान था ना? हाँ। तो फिर तुम इस कार्टून साहित्य के चक्कर में कैसे आ गई? साहित्य आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रही हूँ यार, डोंट टेक इट सीरियसली। छोड़ना यार, फिर कभी फुर्सत से बात करेंगे। डन, नेक्स्ट वीक माय हाउस? नहीं होगा अर्चना, कल मायके जा रही हूँ।
पापा मुझे और नव्या को लेने आ रहे। मैडम नेक्स्ट वीक के चक्कर में अभी का डिनर एंजॉय नहीं कर रहे आप, लीजिए ना राइस, लीजिए। पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं उसे पापा। वही वही पावर ऑफ अटॉर्नी, तो वकील साहब ने वो बना लिया है। मैंने बैंक में बात भी कर ली है, सिर्फ तेरा सिग्नेचर हो गया कि हमारा जॉइंट अकाउंट खुल जाएगा। फिर कल मैं अगर नहीं भी रहा तो मेरे जगह तू सारे फैसले ले सकती है। पापा ऐसी बातें मत करो ना। मुझे चिप्स चाहिए। चुप कर, जब देखो तब जंक फूड खाना तुझे बस। अरे इतना लंबा सफर है, भूख तो लगेगी ना। मैं कुछ ना कुछ ले आता हूँ, अभी बस आने में 10 मिनट है। नाना जी मैं भी चलो आपके साथ। कोई जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुझे क्यों जाना है बदमाश। पापा आप ले आइए, हम यही है। चल बैठ। भैया दो चिप्स देना। मीना आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। फोन क्यों ऑफ आ रहा है? हाँ पापा। बेटा वो मीना और नव्या तुम्हारे यहाँ आए हैं क्या? क्या वो तो आप लोग के साथ गए थे ना, यहाँ क्यों आएंगे? देखिए सर अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, आप लोग थोड़ा और इंतजार कीजिए, हो सकता है सुबह तक वो अपने आप ही आ जाएं। ऐसी बात मत कीजिए सर, देखिए बहुत डर लग रहा है मुझे। देखिए आप लोग बेकार में परेशान हो, आपने उसकी सहेलियों से बात की, हो सकता है वो अपनी किसी सहेली के घर पे गई हो। सर पर क्यों जाएगी मेरी बेटी कहीं? कितने अनाप शनाप चीजें सुनने को मिलती है न्यूज में, मालूम है आपको? मेरे बच्चियों के साथ ऐसा कुछ होगा तब कुछ चाहिए नहीं। समय क्या हुआ? अरे सर देखिए ना सर, ये मेरी बेटी और नातिन का मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं। सर आप देखिए ना सर। सर अभी 24 घंटे भी नहीं हुए। सर से 5 मिनट हुए होंगे, मैं कुछ सामान लेने गया आकर देखा कि दोनों गायब है, हमें लगा कहीं वो घर ना पहुंच गई हो तो हमने जमाई बाबू को फोन किया। पापा वापस क्यों आती मीना? फिर भी सर मैंने पूरा मोहल्ला ढूंढा उन्हें, उनका कुछ पता नहीं चला सर, पूरा बस स्टॉप छाना लेकिन किसी ने उनको देखा नहीं, उसका फोन भी बंद आ रहा है सर, मैंने कई बार ट्राई किया। क्या आज आप दोनों मियां बीवी का आपस में कुछ झगड़ा हुआ था? नहीं नहीं सर हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ था, वो तो बहुत खुश थी। आप पापा से पूछिए ना। पापा पापा हाँ आपने मीना को कुछ कहा क्या? नहीं नहीं सर। अच्छा ठीक है, जहाँ से दोनों गायब हुई थी आप इनके साथ जाइए, इन्हें वो जगह दिखाइए। गाड़ी रोको, यहीं रोको। कहाँ से लाऊं पैसे? एक ऑटो चलाने वाले इतने पैसे इंतजाम कैसे करेगा? पापा लेकिन आंटी ने मुझे बोल दिया है कि अगर मैंने 2 दिन में किराया नहीं दिया तो कमरा खाली करना पड़ जाएगा। फीस देने की भी तारीख नजदीक आ रही है, अगर ऐसे रहा तो मेरी तो पढ़ाई छूट जाएगी। बेटा मैं पैसे का इंतजाम कर रहा हूँ ना, बस कुछ दिन और संभाल सब हो जाएगा। ठीक है पापा। पलक आई एम रियली सॉरी कि लैंडलॉर्ड ने निकाल दिया तुम्हें, पर हॉस्टल के कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को हॉस्टल में कमरा नहीं मिलता, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। विजय सर आप प्रोफेसर हैं, अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, मुझे सिर्फ एक लेटर लिख के दे दीजिए तो मेरा दाखिला हो जाएगा, और आप जो बोलोगे ना मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज सर हेल्प मी। हाँ मैम मैं देखता हूँ। थैंक यू सर, आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। थैंक यू। हो जाएगा तुम्हारा एडमिशन। ओके सर। थैंक्स अक्षम, तुम नहीं होते तो क्या होता मेरा? बस क्या पता, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, किताबें क्या चीज़ है। पानी है क्या? प्यास लग रही है। पानी गाड़ी में तो नहीं है, मैं लेके आता हूँ। हाँ हेलो विजय सर, कैसी हो? वो गिफ्ट कैसा लगा मेरा? बहुत अच्छा, आपके दिया हुआ टॉप पहन के आई हूँ। अच्छा सर कॉल यू एट नाइट। या ओके बाय। सर 2 दिन हो गए हैं,
कब मिलेगी हमारी बेटी? उसके साथ हमारे 11 साल की नातिन भी है सर। सर जरा हमारे बारे में सोचिए, रात को नींद नहीं आती, डरावने डरावने खाए रहते हैं सर। देखिए मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, आप बेफिक्र रहिए, वो दोनों जल्दी मिल जाएंगे। ये बताइए क्या ये मुमकिन है कि मीना खुद अपनी मर्जी से कहीं चली गई? अरे नहीं सर, वो हमें बिना बताए कहीं क्यों जाएगी सर? हम एक जॉइंट अकाउंट खोलने उसे बिजनौर लेके जा रहे थे, जाते वक्त उसने तो बिजनौर के अपने सहेलियों को फोन करके भी बताया कि उनसे मिलने आने वाली है। अगर उसके मन में कुछ और होता सर तो वो ऐसा क्यों करती, आप ही बताइए सर। अब साहित के बारे में क्या बताओ साहब, 15 दिन पहले यहाँ आए रहने के लिए अपनी पत्नी और बेटी के साथ। ये साहित्य की पत्नी मीना, इनका बिहेवियर कैसा था? मीना भाभी बहुत भली थी लेकिन उनकी बेटी बहुत जिद्दी थी, कभी कभार वो अपनी बेटी को डांट देती थी, लेकिन माँ बेटी में बहुत अच्छी बनती है। और मीना और उनके पति में? सर आस पड़ोस में मीना की किसी के साथ अनबन नहीं थी और ना ही अपने पति के साथ कोई झगड़ा था। वैसे भी दिल्ली में आए हुए सिर्फ 15 दिन हुए थे, हो सकता है सर मीना अपने आप से कहीं चली गई। लेकिन मीना के फादर ने बताया था कि मीना ने बिजनौर में अपने फ्रेंड से बात की थी, उनसे मिलने का प्लान भी बनाया था। अगर मीना के जहन में खुद से कहीं जाने की बात चल रही थी तो मीना इस तरह का प्लान क्यों बनाती? सर मैंने मीना की कॉल डिटेल्स चेक की सर, किडनैपिंग वाले दिन मीना की 3 नंबर्स में बात हुई थी सर, 1 नंबर मीना के पिता का है, 1 नंबर किसी फूड डिलीवरी ऐप का है और सर 3 नंबर अर्चना यादव का है जो मीना के पति साहित्य की बॉस है। मिलते हैं अर्चना यादव से। ओके सर। वैसे साहित्य काफ़ी सीधा इंसान है, काम के मामले में उससे ज़्यादा सीरियस और ऑनेस्ट इंसान मुझे आज तक कहीं नहीं दिखा। एक जगह SETAPUR लिखा है सीतापुर। यस सर। और ये देखिए एक जगह SITAPOOR लिखा है सीतापुर। सर पर नाम तो दोनों एक ही है ना? नाम एक है पर बहस मत कीजिए, कल आइए ना। सर सर ये मेरा एप्लीकेशन। सॉरी सर 4 बजे तक का वक्त था, यू आर लेट, कल आइए आप। सर ऐसा मत कीजिए, 4:01 तो हुआ है, मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। देखिए सर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, रूल्स आर रूल्स, प्लीज कल आइए। तब तो साहित्य ने अपने इस रवैये की वजह से, आई मीन जिस तरह से आप बता रही हैं कि एकदम रूल रेगुलेशन फॉलो करता, काफ़ी लोगों को नाराज़ किया होगा, काफ़ी लोग उसे नापसंद करते होंगे। जी सर, इनफैक्ट उस पर एक इंक्वायरी भी चल रही है, जब वो लखनऊ में पोस्टेड था तब से। ऐसी इंक्वायरी? किसी ने कंप्लेंट कर दी ईडी को कि इसने रिश्वत ली है। अच्छा, जिस दिन साहित्य की बीवी मीना गायब हुई, मीना ने आपको कॉल किया था, क्या बात हुई थी? वो एक्चुअली अपने सारी फ्रेंड से मिलना चाह रही थी, उसने मुझे भी कन्विंस करने की कोशिश की कि मैं बिजनौर आ जाऊँ, बस यही बात हुई थी। मैम आपको क्या लगता है, आई मीन साहित्य की वजह से इतने लोगों का काम अटका, टेंडर कैंसिल हुए, क्या उनमें से कोई साहित्य के परिवार के साथ ऐसा कुछ कर सकता है? सो पॉसिबल है, जब वो लखनऊ में पोस्टेड था हो सकता है उसने दुश्मनी मोली हो किसी से और उसी ने ये किया हो। शर्मा सर लखनऊ जाओ, लखनऊ में साहित्य जहाँ पोस्टर था वहाँ रहते हुए उसने जितने भी टेंडर रिजेक्ट किए थे सबकी लिस्ट बनाओ। राइट सर। और सर ये साहित्य लखनऊ में जहाँ रहता था वहाँ भी इंक्वायरी करता हूँ, अगर वहाँ पे इसकी किसी के साथ दुश्मनी होगी तो इसके आस पड़ोस में कोई तो जानता होगा इसके बारे में। करेक्ट, पता करो सर। फोन हमेशा गलत टाइम पे बजता है यार, पापा का कॉल है, बस 1 सेकंड। जी पापा। अलग बेटा मैंने 5,000 रुपए भेजे हैं, किराया चुका देना। अब बहुत जल्दी कोचिंग की फीस भी भेज दूंगा, बस तू मन लगा के पढ़ाई कर। जी पापा मन लगा के पढ़ाई करूंगी। जी डैडी को क्यों परेशान कर रही है तू?
पैसे चाहिए ट्यूशन के लिए, इसे ले ले। वो रॉकी तो कमीना है, लेकिन तुम्हें उससे चिपकने की क्या जरूरत थी? सक्षम देखो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, अभी बहुत रात हो गई, तुम घर जाओ, हम इस टॉपिक पे कल भी बात कर सकते हैं। एंड यू नो आई लव यू। अब तुझे दिखा दो यहाँ से एम्बुलेंस में कौन जाएगा साले। आजा साले। मैम प्लीज मैम आप मेरी एक बार बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना पलक, तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया है तुम यहाँ नहीं रह सकती, जाओ। मैम मैम प्लीज मेरी एक बार बात सुन लीजिए मैम प्लीज मेरी। अच्छी औरत है, उसकी मोहल्ले में हर किसी से बनती थी, लेकिन जब से वो घपला हुआ है सब बदल गया है। कैसा घपला? मोहल्ले में कुछ 30 औरतों ने मिलकर एक बीसी शुरू की थी, हर महीने उसमें 500 रुपए डालते थे। कांता नाम की एक औरत थी जो इस सब का रिकॉर्ड रखती थी। कांता और मीना इन दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनती थी। एक दिन कांता गायब हो गई और फिर नंदिनी के पति योगेश ने बहुत बवाल खड़ा किया था। झूठ मत बोल मीना, तू भी मिली हुई है ना उस कांता से? तेरे भरोसे पर अपनी सारी बचत के पैसे जमा किए थे हमने। योगेश भाई कांता ने धोखा दिया, उसमें मेरी क्या गलती? मेरे पहले से वो यहाँ रहती थी ना, सब तो जानते थे उसे। लेकिन तुम लोग गुपचुप तरीके से मिलते थे, कांता के गायब होने से पहले भी तुम उससे मिली थी एक बार। अरे लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि मतलब कुछ नहीं, हमें हमारे पैसे चाहिए बस। ये योगेश रहता कहाँ है? वो सब तो कुछ महीनों पहले दिल्ली शिफ्ट हो गए। ये योगेश दिल्ली में कहाँ रहता है पता है आपको? नहीं ये तो नहीं पता। सर ये देवकी नंदन सेंसवाल बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है और उसके कई सारे टेंडर्स रिजेक्ट किए थे साहित्य ने। हमने बोला ना किसी और से बात नहीं करेंगे हम। साहित्य श्रीवास्तव को बुलाओ, कहाँ छुपा बैठा है? मैं हूँ साहित्य श्रीवास्तव, बताइए क्या काम है? काम तो तुम अपना ठीक से नहीं कर रहे हो, देवकी नंदन नाम है हमारा, हमारा टेंडर कैसे नहीं पास हुआ? मैंने जो कुछ भी किया है नियम के हिसाब से किया है। नियम डालो अपने। आप बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी अभी देखे नहीं हो हमारा। अरे जो बार बार नियम नियम कर रहे हो ना, ये नियम तुम्हें बहुत जल्द यम के पास ले जाएगा। मैं आपकी धमकी से डरने वाला नहीं हूं। अब देखना तू डरेगा भी और रोएगा भी। और यही हुआ सर, क्योंकि उसके बाद साहित्य पे ईडी में फाइल कंप्लेंट की गई और उसे सस्पेंड भी कर दिया गया। और ये सब देवकी नंदन की धमकी के बाद हुआ? जी सर, लेकिन इतना ही नहीं हुआ सर, उस पर हमला भी हुआ था कि साहित्य पे वो हमला देवकी नंदन ने करवाया था। और इसी के बाद साहित्य का ट्रांसफर दिल्ली हुआ? जी सर, उसने साहित्य का ट्रांसफर दिल्ली इसलिए करवाया ताकि वो उसे ह्यूमिलेट कर सके। तो साहित्य पे ये हमला हुआ कहाँ था? सर यही ऑफिस के सामने वाली लेन में। मीना तुम जहां भी हो प्लीज लौट आओ, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो आई एम सॉरी, प्लीज नव्या को लेकर आ जाओ प्लीज। मैं क्या करूं मीना, मैंने पुलिस को फोन करके शिकायत दर्ज की ना, अब वो देख लेंगे योगेश को, अब ये सामान अंदर रखो प्लीज। अरे कैसे मर दो तुम, तुम्हारी बीवी पे हमला हुआ, मेरी जान जा सकती थी, मेरा गला दबाया गया, और तुम्हारा खून नहीं खोला मुझे देखकर। मैं क्या करूं, वो पुलिस का काम है, पुलिस को करने दो। देखो मैं कानून हाथ में नहीं ले सकता, ये सब बंद करो प्लीज, सामान अंदर रखो। जो आदमी अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, ऐसे पति के साथ मुझे नहीं रहना। चल अब यार जिद मत करो प्लीज, रुक जाओ। चल अब मीना प्लीज, रुक जाओ मीना प्लीज, रुक जाओ मीना प्लीज, वापस आ जाओ लव्या को लेकर। मीना तुम पहले जब भी गई वापस आई, इस बार भी आ जाओ। लखनऊ पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लखनऊ पुलिस से बात की मैंने। पर योगेश का क्या हुआ पता कर रहे हैं? उस देवकी नंदन से ही मिलना पड़ेगा, लेकिन पहले साहित्य से मिलते हैं।
अशोक यहाँ क्या कर रहे हो? साहब मैंने इनको बुलाया साहब, वो साहित्य है ना हमारा पड़ोसी, उसको कहीं अंदर बंदूक रखे हुए था और मैं इधर ही रहता हूँ साहब, उसके चेहरे पे बहुत सारे खून के निशान थे। एक मिनट, अब पहले सांस लीजिए फिर तफसील से बताइए क्या देखा आपने। साहब मैं सब्जी लेके बाजार से आ रहा था, बाहर एक काले रंग की गाड़ी खड़ी थी, गेट पे गाड़ी लगा दिया, अक्कल नाम की चीज ही नहीं है। अरे फिर मैं ना अंदर साहिब के घर से टूटे फूटे की आवाज सुनी, जब मैं आया तो दरवाजे को धक्का दिया लेकिन दरवाजा खुला नहीं, फिर मैं खिड़की से देखा तो ये देख के डर गया साहब, फिर मैं जाके हवलदार साहब को बुला के लाए, जब मैं आया तो देखा दरवाजे में ताला लगा हुआ है और वो काले रंग की गाड़ी भी गायब थी। जो काले रंग की गाड़ी थी उसका नंबर याद है आपको? साहब नंबर तो याद नहीं है लेकिन हाँ यूपी का नंबर प्लेट था। इस विंडो से देखा था आपने? हाँ साहब। ताला तोड़ो सर। साहित्य को बहुत बुरी तरह से पीटा होगा उसने, पहले साहित्य की बीवी और बेटी को गाली दी ना। ये पलक है जिसके बारे में बात कर रहा था। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। अरे पलक, थैंक्स की क्या जरूरत है, इस घर को तुम अपना ही घर समझो, और हमारी भी एक छोटी बेटी है, हॉस्टल में पढ़ती है, उसका कमरा आज से तुम्हारा। चलो आ जाओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, शॉपिंग करनी है, देना जरा। यार इस महीने बहुत खर्चा हो गया, नेक्स्ट मंथ। तुम ना हर महीने ऐसे ही करते हो, इस बार तो मैं खर्चा कर देती हूँ और मंथली खर्चे के साथ मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। हाँ हाँ ठीक है ले लेना। विजय सर 2000 रुपए ले रही हूँ, जरूरत है मुझे। थैंक यू। पलक लास्ट टाइम है, इसके बाद ये सब नहीं होना चाहिए। ओ अच्छा, फोटोज भूल गए क्या आप सर? दिखाती हूँ मैं वापस से। ये देखिए, देखा तो आपकी जरूरत पूरी हो रही है मुझसे और मेरी जरूरत पूरी हो रही है आपसे, तो अगली बार कुछ बोलने से पहले सोच लीजिएगा। मैंने कुछ नहीं किया, ये पकड़ के खींची मुझे वहां। नौटंकी बहुत बड़ी, ये इतने दिनों से मुझे ब्लैकमेल करके मेरे साथ गलत काम कर रहे थे, मेरे पास फोटोज है और जब आज मैंने उनके साथ ये सब करने के लिए मना किया तो मेरे रहने का ठिकाना दिया तक छोड़ दी। घटिया आदमी, छोड़ूंगा नहीं तुझे। देवकी नंदन, योगेश और ये लड़का, इन तीनों में से किसी ना किसी का इस केस से ताल्लुक जरूर है। सर कहाँ? सर मैंने साहित्य के घर और किडनैपिंग एरिया दोनों जगह के डम डेटा स्कैन किए सर, वहाँ पे तीन नंबर्स ऐसे मिले हैं सर। पहला नंबर ये विजय तिवारी है सर, लखनऊ का रहने वाला है, सर्विस प्रोवाइडर को जो इसने एड्रेस दिया था सर अभी वहाँ नहीं रहता है। और सर दूसरा नंबर देवकी नंदन का है और सर तीसरा नंबर इस लड़के का है, सक्षम नाम है सर इसका और ये भी लखनऊ का रहने वाला है। इस सक्षम का एड्रेस लोकल पुलिस को दो और देवकी नंदन और योगेश उठाओ दोनों को। सर सर अब आपके लोगों ने खामखा उठा लिया हमें, ये इत्तेफाक की बात है, हमारी बहन उसी इलाके में रहती है जहाँ साहित्य रहता है, और जिस दिन की आप बात कर रहे हैं उस दिन तो हम साहित्य के घर गए भी नहीं थे, हम तो अपनी बहन के घर में थे। हाँ उससे कुछ दिन पहले हम साहित्य के घर जरूर गए थे थोड़ी मस्खरी करने, लेकिन उसको या उसके परिवार को नुकसान पहुँचाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हमारा बदला उसके साथ उसी दिन पूरा हो गया था जब हमने उसका ट्रांसफ़र लखनऊ से दिल्ली कराया था। अब हम बिना कारण उसको या उसके परिवार को क्यों उठवाएंगे? जब बिना कारण तुम उसे धमकाने के लिए गुंडे भेज सकते हो तो किडनैप भी करवा सकते हो। सक्षम को भेजा था ना उसे धमकाने के लिए। कौन सक्षम? कौन है ये लड़का? कसम से हम पहली बार देख रहे हैं इसको। जब तक सच नहीं बोलोगे हमें तुम बार बार देखोगे। दिखाओ जरा से। साहब साहब ऐसा मत कीजिए। साहब मुझे तो पता भी नहीं था कि साहित्य और मीना दिल्ली में है, और गुस्सा तो मीना को लेकर था साहब, मैं उसकी बेटी को क्यों उठाऊंगा साहब। इसको ही भेजा था ना तूने साहित्य को पीटने के लिए? नहीं साहब मैं इसे नहीं जानता साहब। थोड़े से साहब साहब मेरी बात तो सुनो साहब। साहब साहब सर ये योगेश और देवकी नंदन दोनों एक ही बात पर अड़े हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे। साहब सर एक कॉमन लिंक मिला सर, साहित्य के मोहल्ले के एंट्रेंस पे एक CCTV है सर, जिस दिन साहित्य गायब हुआ था उस दिन वहाँ पे एक ब्लैक कलर की कार को स्पॉट किया गया था, ये देखिए सर।
और सर सेम कार को उस बस स्टॉप पे भी स्पॉट किया गया था। सर मैंने नेबर से क्रॉस वेरीफाई की, ये वही कार है जो साहित्य के घर के बाहर खड़ी थी। सर ये उस कार के ओनर की डिटेल्स हैं। यूपी का नंबर और विजय तिवारी के नाम पर रजिस्टर्ड है। विजय तिवारी, एक मिनट सर, साहित्य के एरिया में जो तीन नंबर एक्टिव थे उसमें एक नंबर विजय तिवारी का था। लखनऊ पुलिस की मदद लो, ये विजय तिवारी इस खेल का मास्टरमाइंड हो सकता है। सर सर क्या? सर विजय तिवारी की कार दिल्ली बॉर्डर के पास जहांगीरपुरी में स्पॉट हुई है। लोकल थाने से कॉन्टैक्ट करो, पता लगाओ जल्द से जल्द कि ये कार इस वक्त कहाँ है। जैन सर। जी संदीप जख्मी, उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, हॉस्पिटल भेजना होगा। चलो अंदर कवर करो, गो 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 गो, गेट हिम, गेट हिम, जल्दी हॉस्पिटल भेजो। विजय फायर मत करो, तुम्हारी जो भी डिमांड है हम पूरी करेंगे, बोलो क्या चाहते हो। विजय अब छुपाने का कोई फायदा नहीं, हम जानते हैं कि अंदर तुम ही हो, तुमने उन तीनों को किडनैप करके रखा हुआ है, हमारी एक टीम तुम्हारे लखनऊ के घर तक पहुंच चुकी है, बोलो क्या चाहते हो। अच्छा किया आप लोग आ गए, मैं आप ही को फोन करने वाला था, कल से बहुत बदबू आ रही है। कौन कौन रहता है यहाँ पर? विजय तिवारी जी, उनकी वाइफ, भाभी जी तो बहुत दिन से दिखाई नहीं दी, और विजय जी भी गायब है। विजय मुझसे बात करो, अपनी डिमांड बताओ, लेकिन पहले साहित्य और उसके परिवार को छोड़ दो। विजय बोलो क्या चाहते हो तुम। चारों सर, सर कहीं वो चौथा आदमी मीना के फादर कृष्णकांत तो नहीं? सर रिपोर्ट लिखवाने के बाद वो एक बार ही पुलिस स्टेशन आए, उसके बाद ना वो आया ना उनका कोई फोन। ट्राई टू कॉल हिम सर। मैं एक टीम पीछे ले जाकर घर के अंदर घुसने की कोशिश करता हूँ। नो नो नो, हम रिस्क नहीं ले सकते, अभी हमें कुछ पता नहीं कि विजय के साथ उसके अलावा और कितने लोग। कांट टेक दिस रिस्क, अभी यहीं रहो बट एक टीम तैयार रखो अपने साथ। ओके सर। हम गलत सोच रहे थे, घर के अंदर जो आदमी विजय नहीं है, विजय की लाश उसके घर पे मिली। विजय और सक्षम अगर मर चुके हैं तो अंदर जो किडनैपर है वो कौन है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, अंदर कौन हो सकता है। दिखाए जा रहे थे, जरूर ये पिज्जा किडनैपर्स ऑर्डर करते होंगे। शर्मा पता लगाओ ये पिज्जा कौन ऑर्डर करता था और कौन इसे डिलीवर करता था। क्विक क्विक सर। इसी से गुजर रहा था, एक एक मिनट पुलिस पर भारी था, मासूम जिंदगियां दांव पर लगी थी और पुलिस को ये मालूम ही नहीं था कि किडनैपर कौन है और उसका मकसद क्या है। पुलिस को अपना नेक्स्ट मूव प्लान करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन तभी एक क्रूशियल इन्फॉर्मेशन पुलिस के हाथ लगी। सर काफी दिनों से दो पिज्जा डिलीवर कर रहा हूँ यहाँ, लेकिन पिछले तीन चार दिन से चार पिज्जा मंगा रहा है वो। ये पिज्जा रिसीव कर रहा है लड़का है या लड़की? नव्या चुप रहना, यही रहना ठीक है। ये ये? हाँ साहब, यही ऑर्डर रिसीव करता था साहब, यही है वो। मेरा शक सही निकला। सर काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ, कृष्णकांत जी का फोन लगातार बंद आ रहा। शर्मा तैयारी कर, पूरी टीम का बुलेट प्रूफ पहना, घर में घुसने का वक्त आ गया। हमें पता चल चुका है
अंदर तुम ही हो साहित्य, और किस किस को मारोगे? देखो मैं सब पता चल चुका है। पलक यहां आई थी? ओ तो पलक ने भेजा तुम्हें, नए पार्टनर उसके, ब्लैकमेल करने आया मुझे। जाके बोल दो एक पैसा नहीं मिलने वाला। चलो निकलो। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपका रिश्ता क्या पलक से? कृष्णकांत जी, साहित्य के बारे में आप जो भी जानते हैं सब कुछ बताइए। सर ये साहित्य मेरे दूर के रिश्तेदार का बेटा है। 10 साल का था जब उसके पिताजी उसे छोड़कर चले गए थे। उसके 1 साल बाद उसके माँ ने भी और किसी से शादी कर ली और उसे उसके दादी के पास छोड़कर चली गई। सर माँ, माँ मुझे छोड़ के मत जाओ। माँ मैं कुछ नहीं मांगूंगा। मैं तुम्हें कितनी बार समझाया, मैं तुम्हें अपने साथ लेके नहीं जा सकती। माँ माँ मुझे छोड़ के मत जाओ। माँ साहित्य इस सदमे से उबर नहीं पाया सर, लेकिन उसके पास सरकारी नौकरी थी इसलिए उसके दादी की आखिरी इच्छा का मान रखते हुए मैं मीना से उसकी शादी करवाने के लिए राजी हो गया। लेकिन सर बाद में पता चला कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। दिमागी हालत? हाँ सर, वो रूल्स और ईमानदारी को लेकर कुछ ज्यादा ही रिएक्ट करता है सर। We have to change our strategy. एक काम करो, एक टीम लेकर पीछे से पड़ जाओ, मैं उसको बातों में जाता हूँ। समय आ जाओ। शायद साहित्य इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है और पुलिस जल्दी ही उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करेगी। साहित्य को पता लग गया था कि मीना उसे छोड़कर जाने वाली थी और पलक ने भी उसके साथ रहने के लिए इनकार कर दिया था। साहित्य इस रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाया और ये शायद उसके ट्रॉमेटिक बचपन के कारण था। बचपन में अपने पिता, उसके बाद अपनी माँ के द्वारा ठुकराए जाने के बाद साहित्य की स्थिति ठीक नहीं थी। उसे लगता था कि हर कोई उसे ठुकरा देता है, उसका तिरस्कार करता है। अकेले रह जाने का डर साहित्य के दिमाग पर हावी हो गया और जब मीना ने उसे छोड़ने की बात की, पलक ने उसका प्यार ठुकरा दिया, तो ये डर दोबारा जागृत हो गया। साहित्य मीना और पलक को अपना बनाकर रखना चाहता था और अपनी इस नामुमकिन सी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जो उसने रास्ता अपनाया वो न सिर्फ अनैतिक था बल्कि अमानवीय भी था। उसने उन्ही लोगों की जान खतरे में डाली जिनसे वो प्यार करता था। तो अब मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी एक और हैरत अंगेज करने वाली कहानी के साथ। आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।